हेलो एवरी वन वेलकम टू वर्थ एजुकेशन टूडे वी विल डिस्कस ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है अगर आपके पास कोई एरिया गिवन है उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं बट कंडीशन है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया के उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स जैसे आपके पास मान लो कोई एरिया है इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास कर रही हैं पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो क्रॉस कर रही हैं उस एरिया से वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया के उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे इसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली नॉर्मली मींस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लो हम ये एरिया कंसिडर कर लेते हैं ये वाला और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दो कंपोनेंट में हो जाएगा थीटा e थीटा और क्लियर e है ओके okay, अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाइव से तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं मीन इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर एरिया से तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया पर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उस पर्टिकुलर एरिया से जो क्रॉस कर रही हैं वो क्या होनी चाहिए पर पेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एरिया अब जैसे जो ये एरिया है इसमें से ये जो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हम कौन सा कंपोनेंट लें हमें वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया के क्या है परपेंडिकुलर है तो एरिया के परपेंडिकुलर ये एरिया है तो एरिया के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट हुआ ई कॉस थीटा ये वाला लेंगे हम ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे हम ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एरिया एरिया को हम एस से डिनोट कर लेंगे तो हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को राइट डाउन कर सकते हैं ई एस कॉस थीटा अब देखो कॉस्ट थीटा है तो हम इसे इस तरह से भी राइट कर सकते हैं ई डॉट एस क्लियर है बिकॉज जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा ई e एस कॉस्ट थीटा अगर अब हम स्मॉल एरिया की बात करें तो उसे हम डिनोट करते हैं डी फाइव से तो डी फाइव का मतलब जो आप एरिया भी ले रहे हो वो कैसे ले रहे हो स्मॉल एरिया ले रहे हो तो ई डॉट डी एस हो जाएगा ठीक है अब अगर इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो डी फाइव को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल फ्लक्स और यहां भी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे तो इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी ई डॉट डीएस की क्लियर हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसे हम डिनोट करते हैं किसे फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट आई थिंक आपको क्लियर हो गया ओके थैंक यू